हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूरी एकता। एज यू नो, मैं हूँ आपकी पूरी एकता। तो अभी बज रहे हैं 8:30 से ज़्यादा हो रहे हैं और ये टाइम है मेरा स्टडी करने का। तो मैं कुकिंग चैनल के साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ, एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करती हूँ। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इसमें मैंने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो अभी मैं आपको स्टडीज से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताना चाहती हूँ। जैसे अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि मैं फूड चैनल में आपको कुछ नए नए टिप्स और ट्रिक्स बताती रहती हूँ, वैसे ही मैं स्टडी में भी कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरा स्टडी करने का तरीका कैसा है और मैं मुझे उससे कितनी हेल्प मिलती है। तो जब भी हम स्टडी करते हैं तो हम ऐसे रैंडमली एक पेज, दो पेज, तीन पेज ऐसे मतलब पढ़ते हैं। तो मैं कैसे पढ़ती हूँ, मतलब मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे आज यहाँ तक पढ़ना है, मैं वो पेज फोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद मुझे मतलब ये रहता है कि आज तक, मतलब आज के दिन वो चीज़ कंप्लीट ही करनी है किसी भी हालत में। क्योंकि अगर हम रैंडमली ऐसे ही पेज पलट पलट के स्टडी करते हैं तो मतलब वो एम हम अचीव नहीं कर पाते हैं। और अगर हम एक एम बना लें कि मुझे यहाँ तक पढ़ना है तो स्टडी करने में काफ़ी आसानी होती है। सबसे पहली चीज़, जब भी हम स्टडी करते हैं तो हम जैसे भी कोई भी टॉपिक्स है उसको हम स्टडी करते गए, हम उसको रीड करते गए, तो जहाँ भी हमें लगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। अंडरलाइन करने के बाद जब तक वो एम पूरा नहीं हो जाता, जहाँ तक हमने डिसाइड किया है पढ़ने का, उसे अंडरलाइन करते जाए वहाँ तक जितने भी टॉपिक्स हैं सबको। उसके बाद जब हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम उस टॉपिक्स में नोट्स बनाते चलेंगे, लाइन लाइन वाइज लाइन क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है। ज़्यादा बड़ा बड़ा नोट्स नहीं बनाना है, मतलब शॉर्ट पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट्स है उसको शॉर्टली लिखना है। ऐसे करते हुए हम उस दिन का नोट्स बना लेंगे, फिर अगले दिन हम फिर से डिसाइड कर लेंगे कि आज हमें यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद उस दिन भी उस चीज़ को कंप्लीट करके उसका भी बहुत ही अच्छा नोट्स बना लेंगे, लेकिन शॉर्ट बनाएंगे, क्योंकि लॉन्ग बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ। बुक और बुक में भी वही लॉन्ग चीज़ दी है और नोट्स भी हम काफ़ी बड़े बड़े बनाएंगे तो मतलब से कुछ मतलब नहीं हुआ। तो शॉर्टली नोट बनाओ लेकिन काफ़ी परफेक्ट बनाओ। नोट्स बनाने के बाद बारी आती है लर्न करने की, क्योंकि हमें हमेशा से ये प्रॉब्लम होता है, हम चीज़ों को लर्न करके भूल जाते हैं और याद नहीं रहती कि हम एक दो दिन पहले क्या पढ़े थे। तो इसके लिए अगर हम कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको अगर हम 21 दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर लें, और पहले तो एक बार रिवाइज कर लें 21 दिन के अंदर, फिर दोबारा उस चीज़ को, उसी टॉपिक को 21 दिन के अंदर फिर से रिवाइज कर लें, तो वो हमारा दिमाग उस चीज़ को भूलने नहीं देता, ठीक है, वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसीलिए ये तरीका लर्न करने का सबसे ईजी तरीका होता है, क्योंकि नोट बनाने के बाद अगर हम उसे ऐसे ही रख देंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, हमारा टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा। लर्न करने के बाद हमें एक चीज़ और करनी है, जो भी टॉपिक आपने लर्न किया उस टॉपिक को आप एक पेज उठाओ, हाँ, उसके बाद उस टॉपिक में उस पेज में आपने जो भी लर्न किया उसे बस लिखते जाओ, बिना बुक खोले और बिना उस नोट्स को देखे। आपने जो जो भी टॉपिक किया उसके बारे में बस लिखते जाओ, जो भी मतलब कि आपने एक दिन में कवर किया उसको लिखते जाओ। इससे क्या होता है, जब हम बिना देखे और जो भी हम लिखते हैं तो हमारे जो दिमाग में जो चीज़ रहती है, जो हमने रिवाइज किया था, वो अगर आप लिख ले रहे हो अच्छे से तो इसका मतलब कि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ चली गई है और आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। मस्त प्लान है। और फिर बारी आती है कि हम अपने लर्निंग पावर को कैसे बढ़ाएं, मतलब कि हम कोई भी चीज़ को याद करके भूल ही जाते हैं अक्सर। तो मैंने ये बताया कि नोट्स बनाओ, उसके बाद उसको याद करो 21 दिन के अंदर। अब है जब हम बारी है उसको हम कैसे बढ़ाएं लर्निंग पावर को, तो जब सोने जाते हैं तो आप सोने से पहले आधे घंटे के लिए आप ये सोचो कि आपने दिन भर में क्या क्या किया, क्या क्या किया, मतलब क्या पढ़ाई की, सुबह उठे क्या किए, कब नाश्ता किया, कितने बजे क्या किया, कितने बजे नहाने गए।
जब हम दिन भर की चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज में जोर देता है कि हमने दिन भर में क्या क्या किया। इससे हमारी याददाश्त बढ़ जाती है और हमारी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाती है। तो आपको मेरा स्टडी करने का तरीका और टिप्स और ट्रिक्स कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।